बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम लिंबी में विगत दिनों में स्कूल में चोरी के मामले को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक शिकायत की थी। मामले को गंभीरता से लेकर थाना प्रभारी संतोष सावले ने जांच की। जांच के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी से स्कूल भवन की जानकारी प्राप्त की, जिसमें बिना सूचना के ठेकेदार द्वारा स्कूल का सामान चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ कर और विभाग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार सहित एक अन्य व्यक्ति पर धारा 379 का मामला दर्ज किया था। आज पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना प्रभारी ने बताया कि जाकिर पिता अहमद शेख उम्र 45 वर्ष निवासी देवी सिंह मार्ग बड़वानी, फिरोज पिता मोहम्मद शफी उम्र 44 वर्ष निवासी पार्टी को स्कूल भवन का सामान चोरी करने के चलते गिरफ्तार किया है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। जी, विगत दिनों पास के गांव लिंबी में एक प्राथमिक शाला भवन था जो काफ़ी पुराना था, जिसमें कोई शाला संचालित नहीं हो रही थी। उस प्राथमिक शाला भवन को एक जाकिर नाम के ठेकेदार ने अपने साथी फिरोज के साथ तोड़कर उसके दरवाजे, खिड़की, चद्दर और एंगल्स जो भी सामान था निकाल लिया और अपने साथ ले गया। इस संबंध में जागृत आदिवासी दलित संगठन ने एक ज्ञापन दिया था कि हमारे गांव की स्कूल का सामान चोरी हो गया है, स्कूल चोरी हो गया है। उसमें जांच की गई और संबंधित विभाग के BRC से उसकी जानकारी ली गई कि क्या है पूरा मामला। तो शिक्षा विभाग ने फिर उसमें लिखित के दिया कि जो स्कूल का सामान ये ठेकेदार ले गया है, इसकी कोई अनुमति नहीं थी, बगैर कोई सूचना के ले गया है। जिस जाँच के आधार पर जाकिर और फिरोज के खिलाफ चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और प्रकरण पंजीबद्ध कर इनकी तलाश कर इनको गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से उस स्कूल से गया सामान सारा जब्त किया है और न्यायालय बड़वानी पेश किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।